जिस तरह के अनपार्लियामेंट्री स्टेटमेंट्स आए हैं, जो शब्द का जिस शब्द का प्रयोग किया गया है, प्रफुल्ल जी, मेरा सवाल ये होगा कि क्या ये इनसिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से है? क्योंकि लक्षद्वीप बहुत ही खूबसूरत है और जो भारतीय टूरिस्ट हैं वो सबसे बिगेस्ट रिसोर्स हैं मालदीव्स के लिए। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। जहां तक मालदीव और लक्षद्वीप का सवाल है, तो लक्षद्वीप अभी वर्जिन आइलैंड्स है। बिल्कुल उनकी खूबसूरती के बारे में कोई मतलब हम शब्द मेरे पास कम है। उन लोगों को इनसिक्योरिटी फील होता है, स्वाभाविक है। वहां डॉलर है और यहाँ इंडियन करेंसी है। वहां वीजा मतलब कि जाना है तो फॉर्मेलिटीज को ऑब्जर्व करना पड़ता है। यहाँ अपना खुद का देश है, कभी भी आ सकते हैं, जा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और डॉलर के बदले में इंडियन करेंसी से वहाँ काम यहाँ काम चलेगा। तो टूरिस्ट का स्वाभाविक रूप से लक्षद्वीप टूरिस्ट ज्यादा ही पसंद करेंगे, वो निश्चित बात है। और वो इनसिक्योरिटी का अगर वो उनके मन में भाव आता है तो शायद गलत भी नहीं है। जी, आप ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री जब लक्षद्वीप गए, उन्होंने जो तस्वीर डाली अपने ट्विटर पे, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, उसके बाद पूरे लक्षद्वीप अब एक स्पेशल फोकस है लक्षद्वीप पर, सब लोग चर्चा कर रहे हैं। और अगर आप गूगल ट्रेंड देखिए तो सबसे ज्यादा सर्च किया हुआ टॉपिक अब आजकल लक्षद्वीप आइलैंड ही है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। मैंने जो पहले भी आपको कहा कि देश की आजादी के 75 साल तक इसको जिस प्रकार से टूरिज्म के लिए उसके पोटेंशियल को देखते हुए इसको एक्सप्लोर करने की आवश्यकता थी, वो नहीं हुआ था। मैं तो सिर्फ टूरिज्म के संदर्भ में भी नहीं, बहुत सारी चीजें मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूँ। देश की आजादी के 75 साल तक जो लक्षद्वीप के आईलैंड्स है, इनहेबिटेड और अनइनहेबिटेड, इसमें से 10 इनहेबिटेड आइलैंड्स है। छोटी सी यूटी है, टोटल पॉपुलेशन 64,000 है। वहां इतनी छोटी यूटी और सिर्फ 10 आइलैंड, 10 ग्रामीण पंचायत, उसके लिए पीने का शुद्ध पानी भी नहीं था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सारे 10 आइलैंड में शुद्ध पीने का शुद्ध पानी मिले, इसी के लिए उन्होंने डिसैलिनेशन प्लांट सेंक्शन किए, काम चालू हो गया, अधिकांश जगह पे काम पूरा भी हो गया। नॉट ओनली दैट, वहां मछुआरों के लिए, आपको जान के हैरानी होगी, मछुआरों के लिए प्राइमरी रिक्वायरमेंट है वो दैट इज आइस। इतने सालों से वहां मछुआरों के लिए 1 kg आइस नहीं था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें डायरेक्शन दिया, मार्गदर्शन दिया, प्रेरणा दी कि आपको ये सबसे पहले ये काम करना चाहिए। उनका जीवन, उनका लाइवलीहुड वो फिशिंग पे, तो वो हम वहां पे ऑलमोस्ट काम खत्म होने में है। जहां तक टूरिज्म का सवाल है तो जैसे मालदीव में है वाटर विला, इसी प्रकार से सुहेली और करमत, दो आइलैंड पे वाटर विला का काम ऑलमोस्ट काम शुरू हो गया है। बाकी जो आइलैंड पे है वहां भी हम, मुझे लगता है कि हम 1,500 कमरे के आसपास नए सुविधा में उपलब्ध कराने की हमने प्रक्रिया का प्रारंभ कर दिया है, वो पाइपलाइन में चल रहा है। इतना ही नहीं, पूरे मतलब कि उन्होंने मल्टी एंगल डेवलपमेंट का सोचा है। ये सोच इसलिए मैं बता रहा हूं कि वहां 92% लिटरेसी है। वहां कुल करीब करीब 11,000 के आसपास स्टूडेंट है, 47 स्कूल्स है। स्कूल्स के हालात आप देखते, सारे स्कूल का रिस्टोरेशन किया, उसका मतलब उसको ठीक किया, बेंचेस, अब मुझे कहते हुए थोड़ा संकोच भी हो रहा है, बेंचेस भी ठीक किए, सारे बेंचेस, ये सारा मतलब इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें प्रेरित किया है, मार्गदर्शित किया है और लगातार वो फॉलो भी लेते हैं। और आपको बता दें, एक इस बात का मुझे एक एडमिनिस्ट्रेटर के नाते हर्ष हो रहा है, गर्व हो रहा है, हमारे 47 स्कूल्स के जितने भी कमरे हैं वो सारे स्मार्ट क्लास बनाने का अगर कोई श्रेय किसी को जाता है और सिर्फ आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जाता है कि उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया। देश में पहली, भले ही छोटी यूटी हो, लेकिन देश की पहली यूटी है कि जिसके सारे क्लासरूम स्मार्ट क्लास। इसके अलावा भी वहां पे और नया इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है,